गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। दिस इज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स को कभी भी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए। दीज आर समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो हम टोटल इनकम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट साथ साथ में हमारे बाकी के प्रोविजंस भी रिवाइज होते चल रहे हैं। करेक्ट। किसी भी स्टूडेंट ने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप इस लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आप वो पुराना लेक्चर भी देख सकते हैं जो मैंने लास्ट अपलोड किया था। एंड दिस इज पेज नंबर 9.34 ऑफ योर बुक। सो इफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैंने ना लास्ट लेक्चर में आपको एक पॉइंट बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन टोटल इनकम का आएगा, तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन रीड करने से पहले ये चेक कर लीजिए कि एग्जामिनर ने एक्चुअली आपसे पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। सो अगर हम इसको लास्ट में आ जाते हैं तो लिखा हुआ है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई, यानी कि टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी के बारे में नहीं रिक्वायरमेंट है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से हमें सॉल्यूशन नहीं देना है, इट इज ओनली ऑप्शनल टैक्स रिजीम। लास्ट के दो क्वेश्चन जब हमने करे थे तो वहां पर दोनों रिजीम्स पूछी गई थी, बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑप्शनल टैक्स रिजीम। मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा, अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट रिजीम भी पूछा होता तो क्या चेंजेस आते, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। सबसे पहले, मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस, ठीक है, इंडिविजुअल एसएससी है, पीजीबीपी की इनकम आएगी। An analysis of his trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 revealed the following information. Okay, तो हमें directly P&L account नहीं दिया गया, but उसका कुछ information दी गई है, ऐसे भी चलेगा, कोई problem नहीं है हमें। Net profit was 11,20,000 rupees. So this should be our starting point. हो सकता है हमारी बाकी दूसरे heads की भी income आ रही हो, बट जब हम पीजीबी भी अपना कंप्यूट करेंगे तो दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 11,20,000 rupees। सेकेंड पॉइंट कहता है, द फॉलोइंग इनकम वर क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम फ्रॉम यूटीआई, इनकम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो आपको इन तीनों को पढ़कर समझ में आ गया है कि दिस इज IFOS इनकम, और ये एसएससी ने गलती से अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में शो किया गया है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पीएनएल की क्रेडिट साइड है, वहां पर जनरली हमारी पीजीबीपी की इनकम आनी चाहिए, विच इज कवर्ड इधर अंडर सेक्शन 28, जो चार्जिंग सेक्शन होता है पीजीबीपी का, या फिर वो 41 में भी कवर्ड है तो भी चलेगा, 41 इज डीम्ड बिजनेस इनकम। बट इनकेस अगर आपकी कोई भी इनकम ऐसी है जो दूसरे हेड को बिलोंग करती है, तो प्लीज उसको यहां से आपको हटाना होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, और उसको उसके रिस्पेक्टिव हेड में ले जाकर उसको टैक्सेबल करना होगा, करेक्ट। या फिर अगर ऐसा हुआ है कि हमारे क्रेडिट साइड में कोई ऐसी इनकम है विच इज एग्जेम्प्ट, जो सेक्शन 10 में आती है विच इज एग्जेम्प्ट, तो उसको प्लीज यहाँ से हटाइए और वो बाकी किसी और हेड में नहीं जाएगी, बिकॉज दैट इज एन एग्जेम्प्ट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये तीनों ही इनकम IFOS को बिलोंग करती हैं, तो हमें पीजीबी भी कंप्यूट करते समय इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और क्योंकि टोटल इनकम रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, IFOS में लेकर जाएंगे, और ये सारी इनकम हमारी ग्रॉस लेवल पर होनी चाहिए बिफोर TDS। तो ऐसी यहाँ पर एज सच प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी इनकम हमें ग्रॉस लेवल पर दी गई है बिफोर TDS, राइट। अगर ये नेट अमाउंट पर दिया गया होता, राइट, अगर ये नेट अमाउंट पर दिया गया होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया था, वहां पर भी एक दो पॉइंट्स आए थे इसके बारे में, तो आप इसको पीजीबीपी से तो हटा देते, राइट, क्योंकि जितना पीजीबीपी में क्रेडिट है इधर ऑन ग्रॉस लेवल और ऑन नेट लेवल, जितना भी क्रेडिट है उसको वहां से हटाइए, बट आप जब उसको IFOS में लेके जाएंगे तो उसको ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी आपको, उसको ग्रॉस लेवल पर लेके जाइएगा। तो अगर ये नेट अमाउंट होता, तो लेट्स से इनकम फ्रॉम यूटीआई आया है, तो आप लोग जानते हैं देयर इज अ TDS सेक्शन, अगर सेक्शन का नंबर याद ना रहे तो चलेगा, वैसे 194K है, वो ये कहते हैं कि जब आपको म्यूचुअल फंड यूनिट से यूटीआई की यूनिट्स पर इनकम मिलती है तो 10% का TDS डिडक्ट हो जाता है। तो लेट्स से अगर ये नेट अमाउंट होता, तो जो हमें आफ्टर TDS मिलता है, अगर 10% का TDS है तो इसका मतलब ये 90% अमाउंट होता है, तो इसको ग्रॉसिंग अप आप आराम से कर सकते थे, सिंपल मैथमेटिक्स है, 22,000, लेट्स अगर ये नेट होता तो, अभी तो नहीं करना, बट अगर होता तो 22,000 डिवाइडेड बाय 90% कर देते हैं, आप 90 into 100 करें या 90% कर दें, वो तो सिंपल आप मैथमेटिक्स से आप जानते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होता है,
जैसे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, इसके ऊपर टीडीएस वैसे तो ये ग्रॉस है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये नेट होता तो हमें पता है कि इसके ऊपर टीडीएस 30% डिडक्ट हो जाता है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये 70% के बराबर होता अगर ये नेट होता, तो डिवाइडेड बाय 70% करेंगे तो ग्रॉसिंग अब आ जाएगा, बट राइट नाउ वी हैव नो सच प्रॉब्लम बिकॉज ऑलरेडी ये ग्रॉस पर ही है। थर्ड पॉइंट, इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक द वैल्यू ऑफ विच आर। क्या पॉइंट दिया गया है, ये थोड़ा सा फेवरेट होता है ऑन एंड ऑफ, ऐसा पॉइंट एग्जाम में आता रहता है कि हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है और असेसी ने इसको या तो ओवर वैल्यू किया हुआ है या अंडर वैल्यू किया हुआ है या फिर वो भूल गया है करना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इट इज ओमिटेड, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक 8000 का और क्लोजिंग स्टॉक 12000 का मिसिंग है हमारे पीएनएल अकाउंट से। तो प्लीज हम लोग अगर इसको 8000 और 12000 को अपने पीएनएल अकाउंट में लेकर आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक आता है हमारा डेबिट साइड में, तो अगर हम 8000 को अब लेकर आएंगे, अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो 8000 को लेकर आएंगे, इट मींस वो हमारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आ रहा है, हमारे एक्सपेंसेस साइड में आ रहा है। तो प्लीज हमारे बताइए नेट प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे बिकॉज अगर एक्सपेंसेस साइड में डेबिट साइड में अगर कोई भी अमाउंट आ रहा है तो इट विल अफेक्ट माई नेट प्रॉफिट और वो मेरा नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा, एग्री है। क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है क्रेडिट साइड में आता है, तो 12,000 रुपीज अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे अपनी गलती को ठीक करेंगे रेक्टिफाई करेंगे तो इस केस में तो 12,000 रुपीज हमारी क्रेडिट साइड में आ रहा है, हमारी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी ऐसा याद मत किया कीजिए कि इधर ऐड करना है इधर सब्ट्रैक्ट करना, नहीं, ये तो सिंपल लॉजिकल है। एक सेकेंड के लिए आप रुक कर अगर सोचेंगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि कब आपको ऐड करना चाहिए कब सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, करेक्ट। फोर्थ पॉइंट, रुपीज 1,00,000 was debited in the PNL account being contribution to a university approved and notified under section 35(1)(2). You understand this is, अच्छा मुझे बताइए scientific research के बारे में बातें हो रही है section 35, in fact अगर ये आपको subsections वगैरह clause नहीं याद है तो it's okay, section 35 is good enough, scientific research के बारे में बातें हो रही है। दो तरह के साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, एक तो इनहाउस रिसर्च जो एसएससी खुद अपने बिजनेस के लिए कराता है, दूसरा होता है आउटसाइड रिसर्च जहां पर हम किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन आईआईटीज वगैरह को कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो यहां पर एसएससी ने 1,00,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है, प्लीज बताइए अलाउड है क्या। देखिए इनहाउस रिसर्च तो दोनों स्कीम में अलाउड होती है, वेदर यू आर फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और यू आर फॉलोइंग नॉर्मल टैक्स रेजिम, करेक्ट। इनहाउस रिसर्च ऐसा पॉइंट तो लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, इनहाउस रिसर्च तो दोनों स्कीम में अवेलेबल होती है, चाहे आप डिफॉल्ट फॉलो कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शनल फॉलो कर रहे हैं, बट आउटसाइड रिसर्च आउटसाइड साइंटिफिक रिसर्च डिफॉल्ट रिजीम में अलाउड नहीं होती, ऑप्शनल रिजीम में अलाउड होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शनल रिजीम ही कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताइए अगर 1,00,000 डेबिटेड हैं 100% ऑफ द अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी आर फॉलोइंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम। हाँ अगर क्वेश्चन हमसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पूछता तब हम इसको अलाउ नहीं करते, एग्री है। तो इसको हम सिर्फ नोट में दे देंगे बिकॉज इसका हमें कोई कंप्यूटेशन में इसको प्लस माइनस नहीं करना है, तो हम इग्नोर कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो इसलिए हमें एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि इनकेस बिकॉज लास्ट क्लास में ये सब सारी बातें मैंने की थी आपसे कि अगर किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर कर रहे हैं तो आप प्लीज एक लाइन देकर, ज्यादा लंबा नोट नहीं लिखना है आपको, सिर्फ एक लाइन देकर उसको बता दीजिए कि आपने ये पॉइंट अपने कंप्यूटेशन में पॉइंट क्यों नहीं कंसिडर किया है बिकॉज इट इज अलाउड अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, राइट। मैं आपको जैसे अभी जब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो मैं वहां पर लिखूंगा, भी आप उसको चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सैलरी इंक्लूड्स 20,000 रुपीज पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500। देखिए अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, अगर वो हमारा रिलेटिव भी है तो हम उसको कर सकते हैं, बट वी हैव अ सेक्शन, हमारे पास पीजीबीपी में प्रोविजन होता है अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो 40A2, वो कहता है कि अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट की है, रिलेटिव्स को पेमेंट की है, तो इट शुड नॉट बी मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना एक्सेस है वो हम डिसअलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमने 20,000 रुपीज की पेमेंट की है, कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो एक्स्ट्रा थी, वो एक्सेस थी, अनरीजनेबल थी टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500, तो 2,500 डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A2। अगर सेक्शन का नंबर याद रहे तो कोट कर दीजिएगा, अदरवाइज सिंपल लिख दीजिएगा payment made to related party disallowed to the extent of unreasonable या which is in excess of fair market value, correct, कर सकते हैं आराम से इसको, okay। Sixth point, advertisement, अब देखो हमने दो तीन questions कर लिए ना तो आप अब आपको चीजें बहुत ज्यादा smooth लगने लगी होंगी, right? तो जब तक हम लोग questions करना नहीं करते हैं, writing practice नहीं करते हैं, तब तक हमें उस पर डर लगता रहता है,
तो एक बार किसी चीज से डर लगता है ना तो थोड़ा सा उसके पीछे पड़ जाइए, आप देखेंगे आप उसको एक दो दिन देंगे ना तो वो चीजें फिर आपको ईजी लगने लगेंगे, राइट। तो चिंता मत कीजिए, अभी हमारा सॉल्यूशन में थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, बट दैट इज एक्चुअली वो आपको बहुत फायदा देगा, राइट। अभी हम थोड़ा सा अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट भी कर देंगे तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और हम इजीली अपना जो अपकमिंग अटेम्प्ट है उसमें क्लियर हो पाएंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स कॉस्टिंग रुपीज 1000, तो हमारे कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट होगा। वहां पर हमने 15 पैकेट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स दिए थे 1000 पर पैकेट, यानी कि 15,000 रुपीज की, प्रेजेंटेड टू इंपॉर्टेंट कस्टमर्स। तो प्लीज बताइए अगर ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में डेबिटेड है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस सिंपल, तो अगर हमने अपने किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को, देखिए कोई पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं है ना, हमने अपने किसी रिलेटिव को थोड़ी गिफ्ट दिया है, हमने क्या किया जो हमारे कस्टमर्स थे हमने उन लोगों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए, सो दैट इज अलाउड। ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस में ऐसा होता रहता है, सो दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 37, राइट। सेक्शन का कोट करने की जरूरत नहीं है, बट येस यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अलाउड। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एग्जामिनर को नोट देकर बता देना है कि बॉस इसको हम नहीं ले रहे हैं अपनी कंप्यूटेशन में, वाई, बिकॉज इट इज एन अलाउएबल एक्सपेंसेस, इट्स अ सिंपल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। 7, टोटल एक्सपेंसेस ऑन कार वॉज 7500, ओके। द कार वॉज यूज बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पज, 3/4 इज फॉर बिजनेस पर्पज। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमने कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया है विच इज रिलेटेड टू आर बिजनेस पर्पज ऑल्सो एज वेल एज फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो, तो हम लोग प्रोपोर्शनली डिडक्शन देते हैं। ऑल्दो देयर इज अ सेक्शन ऑल्सो, सेक्शन 38, वैसे तो सेक्शन 38 भी होता है जो इसके बारे में कहता है, सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी करने के लिए, बट यू शुड नो दैट प्रोविजन आपको अच्छे से आना चाहिए कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस अलाउ करेंगे। तो आपको पता है कि 78,000 में से 3/4 तो ठीक है, बट 1/4 गलत हो गया तो उसको हम एड बैक कर देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 30,000 पेड टू AN कंपनी या गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, तो हमारा कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिटेड हो गए, वहां पर हमने 30,000 पे करे हैं AN कंपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को कैश में ऑन 31st January 2024 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट टू द वेयर हाउस। तो हमने किसी ट्रांसपोर्टर को 30,000 रुपीज पे कर दिए। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे PGBP में एक प्रोविजन होता है, देयर इज अ सेक्शन 40A3, सेक्शन 40A3, और जिसको सब लोग आप अच्छे से जानते हैं, अगर सेक्शन का नंबर याद नहीं है तो चलेगा, बट इस सेक्शन को के प्रोविजन आप अच्छे से जानते हैं कि किसी को भी अगर हम एक दिन में 10,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट कर देते हैं कैश में तो दैट इज नॉट अलाउड, बट हाँ उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और उसमें एक एक्सेप्शन ये आती है कि अगर आप किसी गुड्स ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हैं तो 35,000 रुपीज तक पे कर सकते हैं, तो हेयर वी आर पेइंग विद इन दैट लिमिट, ऑल्दो ये 10,000 से ज्यादा है बट ये हमारी एक्सेप्शन में कवर्ड होता है, हम गुड्स ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपीज दे सकते हैं, तो वी हैव नो प्रॉब्लम ऑल्सो ओवर हेयर, ये भी ठीक है, नोट देकर बता दीजिएगा। डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स वॉज 55,000, डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल्स 50,000 रुपीज। तो हमने गलती से जो हमने डेबिट करा हुआ है वो 55,000 का डेप्रिसिएशन डेबिट किया हुआ है, बट एज पर इनकम टैक्स रूल जैसा हमारा सेक्शन 32 वगैरह कहता है तो उसके अकॉर्डिंग 50,000 होना चाहिए, तो आप इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिएगा। तो सिंपल तरीका है कि 55,000 को आप एड बैक कर दीजिए क्योंकि वो डेप्रिसिएशन ठीक नहीं है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, और 50,000 को अलाउ कर दीजिएगा। आप चाहें तो डिफरेंस को भी के साथ भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, 5,000 को एडजस्ट कर सकते हैं, 5,000 हमने गलती से ज़्यादा कर दिया तो आप उसको एडबैक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें, मैं तो इजी पर जाता हूँ, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ 55,000 को एडबैक कर देता हूँ और 50,000 को माइनस कर सकता हूँ, आप अगर डिफरेंस से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ 10,000 रुपीज डेबिटेड इन द बुक्स, ड्रॉइंग्स अलाउड नहीं होती, देखो ये इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर जैसे ड्रॉइंग्स आ गया, कुछ और चीज़ें जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि इंडिविजुअल ने अपने आप को सैलरी पे की है, अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, तो अलाउड नहीं होता इंडिविजुअल के लिए सैलरी पे करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना, ड्रॉइंग्स करना अलाउड नहीं होता है, इट्स नॉट अ अलाउएबल एक्सपेंस, तो उसको हम एड बैक करते हैं। हाँ हम लोग जानते हैं कि अगर ये पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन होता तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे सकती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, वो बातें हमारे पार्टनरशिप में जब हम पढ़ते हैं 40 स्मॉल बी तो वहां पर वो बातें होती हैं, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन वगैरह दे सकती है, दैट इज कवर्ड अंडर 40 स्मॉल बी, वहां पर कुछ अलाउड होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, जैसे नॉन वर्किंग पार्टनर को नहीं देनी है रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सभी को दे सकते हैं,
बट रेमनरेशन हम नॉन वर्किंग पार्टनर्स को नहीं दे सकते हैं, वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट, फिर हमें बुक प्रॉफिट्स देखने होते हैं 3 लाख रिमेनिंग करके, ठीक है, याद आ गया आपको वो प्रोविजन। बट कमिंग बैक यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअल का क्वेश्चन था तो इंडिविजुअल को हम ये सारी चीजें नहीं दे सकते, इनफैक्ट ड्रॉइंग तो वहां पर भी अलाउड नहीं होता पार्टनरशिप फर्म में। तो 10,000 रुपीज आप इसको डेबिट करा हुआ है, इसको एड बैक कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 15,000 रुपीज डेबिटेड इन द बुक्स। गलती से ये हमने एक्सपेंस माना हुआ है, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है और हमने इसको डेबिट कर दिया बुक्स में। तो सबसे पहले तो इसको एड बैक करिएगा, राइट। और फिर आपको पता है कि अगर हम NSC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देर इज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C की डिडक्शन मिल जाती है, बिकॉज SSC यहाँ पर ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहा है तो 80C मिल जाएगा। अदरवाइज अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होता तो आपको पता है 80C की डिडक्शन तो मिलती नहीं है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिम एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। गुड इनफ, ठीक है। तो आपको काफी सारी चीजें इस क्वेश्चन के बारे में पता चल गई होंगी। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और प्लीज, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हर क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद, आप लोग खुद इसको ट्राई करें, प्रेजेंटेशन अपनी ठीक रखें और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ उसको चेक करें। अगर आपने कोई चीज़ें छोड़ दी है, गलती हो गई है, तो वहां से अगर आप चेक करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कभी गलती नहीं करेंगे, करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो आई बिलीव आप लोगों ने देख लिया होगा, चेक कर लिया, इट वॉज कंपेरेटिवली एन ईजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोगों ने PGBP इनकम निकाले, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दो हेड थे, PGBP और IFOS, तो मैंने अलग से PGBP का वर्किंग नोट नहीं बनाया है और ना ही यहाँ पर हमें टैक्स लाइबिलिटी वगैरह निकालनी थी। तो अगर इनके से यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेबल वगैरह सब कुछ निकालना होता तो मैं इसको थोड़ा सा हाई लेवल पर लिखता, PGBP के लिए फिर हम वर्किंग नोट बना सकते थे, करेक्ट, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, सिर्फ PGBP ही मेन था इसमें, IFRS तो ना के बराबर ही था, बाकी हेड्स नहीं है, कुछ और निकालना नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट कि मैं उसके लिए वर्किंग नोट बनाए, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं होगी फिर, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा वर्किंग नोट बनाने में ना थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है, करेक्ट। तो हमें देखना होगा कि हमें कहाँ पर देखिए, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3-4 हेड्स थे, इनफैक्ट 4 हेड्स थे, उसको फिर मैंने PGBP का स्पेसिफिकली वर्किंग नोट बनाया था, बाकी तो छोटी छोटी बातें थी तो मैंने उसको वैसे ही सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पर कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं थी वर्किंग नोट बनाने की। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप बता दीजिए, SSC का नाम, असेसमेंट ईयर और ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जिस भी रिजीम में निकाल रहे हैं प्लीज उसको कोट कर दिया कीजिए, राइट। सो दिस इज PGBP इनकम, तो जैसे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था सेम मैंने वैसे ही किया है। IFOS की इनकम डिडक्शन सिर्फ 80C की मिलेगी यहाँ पर, और 11,61,000 इज योर टोटल इनकम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
और कुछ चीजें थी जो एग्जामिनर ने हमें दी थी बट हमने उसको कंप्यूटेशन में नहीं शो किया है, और रीजन क्या था उसका वो हम लोगों ने नोट्स में दिखा दिया। आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा बड़े नोट्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैक्सिमम नोट्स एक लाइन या दो लाइन में आपके खत्म हो जाने चाहिए इस तरह के नोट्स, और सिंपल अपनी प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे, एग्जामिनर को यही चाहिए। देखिए अगर आप बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका काफी सारा समय इसी में निकल जाएगा, तो चीजें छूट सकती हैं, करेक्ट। तो दिस इज मोर देन सफिशियंट, अगर आप इतना करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यू विल गेट द लिंक फॉर दैट ऑल्सो। चले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। सो दिस वॉज 8th, अब आप 9th पर आ जाइए। 9th क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इनफैक्ट ये टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस ही हो रही है तो कर ही लेते हैं। लिखा हुआ है बाला मुरुगन furnishes the following information for the year ended 31st March 2024. Okay. Income from textile business negative है, loss है, तो income from textile business से तो loss आ रहा है, income from house property भी loss है, okay. Lottery winning gross, ये तो आपकी IFOS की income होती है। अच्छा, क्या हम ये हमारी कैजुअल इनकम होती है, क्या हम अपने लॉसेस कैजुअल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं, कैजुअल इनकम से तो कुछ सेट ऑफ ही नहीं होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम हमारी आ रही है 1 लाख रुपीस की, तो ये हमारी स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है, पीजीबीपी है बट स्पेकुलेटिव वाला, और वहां से भी प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सेट ऑफ का मेनली क्वेश्चन लग रहा है, देखने से ही सेट ऑफ लग रहा है, प्लीज मुझे बताइए कि स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम आ रही है, क्या आप इससे नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ठीक है, रिवर्स नहीं होता। स्पेकुलेटिव में अगर लॉस हो तो फिर वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है, बट अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है और नॉर्मल बिजनेस में लॉस है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 135,000 हम इसको सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे इस पीजीबीपी से, बट 1 लाख ही हो पाएगा, 35,000 तो फिर भी नहीं हो पाएगा, 35,000 फिर बाकी दूसरे हेड से हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा तो आपको पता है पीजीबीपी बाकी हेड से हो जाता है। हाँ, कैजुअल इनकम से तो कुछ सेटअप कर ही नहीं सकते, नो डाउट। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड है, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं देनी है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन में से जा चुकी है, तो वी हैव अ सैलरी इनकम, सैलरी में तो लॉस होता नहीं है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 70,000 रुपीज का, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000 रुपीज का। अच्छा मुझे बताइए क्या फिर जो हमारा 35,000 का पीजीबीपी का लॉस बच जाएगा, राइट, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करें या फिर उसको सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं? सैलरी से तो सेट ऑफ नहीं होता पीजीबीपी का लॉस। अच्छा क्या पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112, मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% वाले, क्या इससे सेट ऑफ हो सकता है? द आंसर इज येस, ठीक है, अगर पीजीबीपी का लॉस हो तो आपका कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता, कैपिटल गेन के लॉसेस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकते, और वहां पर भी आपको पता है रिस्ट्रिक्शन होती है, शॉर्ट टर्म अगर लॉसेस हों, शॉर्ट टर्म लॉसेस हों तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म अगर लॉसेस हों तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही होते हैं, किसी और चीज से नहीं होते हैं, किसी दूसरे हेड से तो जाते ही नहीं कैपिटल गेन। हाँ, बट कैपिटल गेन हेल्प सबकी करता है, अगर पीजीबीपी में लॉस हो जाए तो हम कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, तो हमें टोटल इनकम बतानी है, फिर टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, और एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, यानी कि हमें यहाँ पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करनी है। देखो ये तो आप समझ गए होंगे कि टोटल इनकम निकालनी है, हम देख लेंगे कितना हम सेट ऑफ वगैरह कर सकते हैं और बाकी फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टैक्स लायबिलिटी फिर निकालनी पड़ेगी आपको, टैक्स बता दीजिएगा कितना आएगा, कौन सा स्लैब रेट्स लगाएंगे। देखिए अगर कोई स्पेशल इनकम है, जैसे कि यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, स्पेशल इनकम के ऊपर तो लगेगा रेट स्पेशल हमारा 20% का, और हमारा लॉटरी विनिंग पर 30% का रेट लगेगा, तो अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे इसको। और एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन भी बतानी है हमें, एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन कब आती है? अगर हमारा जो टैक्स पेएबल है वो 10,000 रुपीज या उससे ज़्यादा आता है तो हमारी एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन भी आती है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन आ रही है या नहीं आ रही है, उसको चेक करना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें ये सारी चीज़ें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से करनी है। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी सैलरी से सेट ऑफ कर देंगे,
सर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस तो सैलरी से सेटअप हो जाता है या बाकी दूसरे हेड से भी हो जाता है, हो तो जाता है, बट ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मैक्सिमम 2 लाख तक होता है ये तो सब जानते हैं, बट वो दूसरे हेड से सेटअप हो जाता है इफ यू आर फॉलोइंग ऑप्शनल टैक्स रिजीम। इन केस अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में यू आर फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फिर किसी दूसरे हेड से नहीं होगा, ये आपको अब कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा बिकॉज यू आर फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ऑप्शनल करते तो फिर मैं इसको सेट ऑफ करा देता, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बाकी से सेट ऑफ, हाँ ऑब्वियसली कैजुअल इनकम से तो कुछ नहीं होता बट बाकी से सैलरी वगैरह से हो जाता, बट बिकॉज यू आर फॉलोइंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो हम नहीं कर पाएंगे, करेक्ट सर। वो 2 लाख की लिमिट वो ऑप्शनल में ही होती है, ठीक है, वो ऑप्शनल में होती है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से हो जाएगा बट टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बट डिफॉल्ट रिजीम में तो 1 रुपी भी का लॉस भी है अगर हाउस प्रॉपर्टी का तो वो भी सेट ऑफ नहीं होता। चलिए सो इट्स अ क्वाइट सेट, टोटल इनकम तो क्वेश्चन नहीं है, सेट ऑफ का क्वेश्चन है, तो आई बिलीव आप काफी सारी चीजें समझ गए होंगे, फिर भी एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अगेन यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करना शुरू करें, फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 9। आप देख रहे हैं कि इनकम अंडर द हेड सैलरी, यहाँ से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, रीजन बीइंग पीजीबीपी का लॉस है हमारे पास और एक हाउस प्रॉपर्टी का है, पीजीबीपी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता बिकॉज हम लोग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, इसलिए सैलरी तो एज इट इज आ गया। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है हमारे पास, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे किसी से, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसका आगे हम नोट भी हम इसको शो कर देंगे। पीजीबीपी में हमारे पास 2 बिजनेस हैं, एक स्पेकुलेटिव और एक नॉन स्पेकुलेटिव, तो नॉन स्पेकुलेटिव का लॉसेस तो सेट ऑफ हो सकते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस से, बट 1,35,000 के लॉसेस थे, 1 लाख ही सेट ऑफ कर सकते हैं, तो पीजीबीपी तो जीरो हो गया, जो बाकी 35,000 बचा उसको हमने कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। क्या जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, कैपिटल गेन के लॉसेस बाकी हेड में नहीं जा सकते बट दूसरे हेड के लॉसेस कैपिटल गेन में आ सकते हैं, समझ गए। IFO is casual income, तो as it is रहेगा, उसका लॉस तो सेट ऑफ होता नहीं है। 5 लाख हमारा कैजुअल इनकम आ गई है, ग्रॉस टोटल इनकम होगी हमारी 8,05,000 रुपीज, करेक्ट। डिडक्शन चैप्टर 6 से कुछ यहाँ पर है नहीं, वैसे भी आपको पता है डिफॉल्ट रिजीम में तो बहुत माइनर डिडक्शन होती हैं, CCD2, CCH2, अग्निवीर वाला और JAA। टोटल इनकम आती है हमारी 8,05,000 रुपीज की। अब क्वेश्चन ने पूछा है टोटल इनकम, दूसरी चीज पूछी थी टैक्स लायबिलिटी और तीसरी चीज पूछी थी एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशंस, ओके। सबसे पहले फिर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे कि हमारा टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है। तो आपको पता है कि हम इसके ऊपर डायरेक्टली स्लैब रेट नहीं लगा सकते 3 लाख वाले, ऑल्दो 3 लाख वाले स्लैब रेट लगेंगे
हम डायरेक्टली इसके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगा सकते, तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म गेन कितना है, 111A कितना है, 112A कितना है, कैजुअल इनकम कितनी और रिमेनिंग इनकम कितनी है, राइट। तो आई बिलीव ये आपको टैक्स निकालना आता है। तो सबसे पहले हम इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखेंगे। हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 35,000 रुपीज़ का, और हमारे पास कैजुअल इनकम थी 5 लाख रुपीज़ की, और रिमेनिंग इनकम थी हमारे पास 2.7 लाख रुपीज़ की। एग्री? जो 8,05,000 है, दैट कंप्राइजेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम और रिमेनिंग इनकम। कुछ स्पेशल रेट्स हैं, कैजुअल लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% होता है, कैजुअल के ऊपर 30% होगा, और ये तो आपका रिमेनिंग वाला नॉर्मल स्लैब रेट लग जाएंगे इंडिविजुअल एसएससी। अब प्लीज मुझे बताइएगा, क्या यहाँ पर जो रिमेनिंग इनकम है, हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? डिफॉल्ट एक्सेसरी में 3 लाख रुपीस, तो यहाँ पर 30,000 रुपीस का अनएग्जॉस्टेड लिमिट है। तो आपको पता है ये हमारी अनएग्जॉस्टेड लिमिट हम लोग रिकवर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो हमने 30,000 रुपीस का यहाँ पर अनएग्जॉस्टेड लिमिट थी, तो उसको हमने 35,000 में से 30,000 को यहाँ पर मूव कर दिया, जिससे ये 3 लाख हो जाए और यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपीस बचेगा। तो 5,000 रुपीस के ऊपर 20% टैक्स आएगा, 5 लाख के ऊपर तो 30% रहती है। आपको पता है अगर अनएग्जॉस्टेड लिमिट होती तो कैजुअल इनकम से तो मूवमेंट होती नहीं है, कैजुअल इनकम पर तो पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो 5 लाख के ऊपर 30% रहेगा, ये 35,000 में से 30,000 ऑलरेडी मूव हो गया अनएग्जॉस्टेड लिमिट को रिकवर करने के लिए, 5,000 जो बचा उसके ऊपर 20% आ जाएगा। तो ये बातें हम लोगों ने एक छोटे से नोट से बता दी है एग्जामिनर को, करेक्ट। तो इसके ऊपर 3 लाख का कोई टैक्स नहीं आएगा, 5 लाख के ऊपर 30%, 5,000 के ऊपर 20%, समझ गए। जो 35,000 का लॉन्ग टर्म था वो अब 5,000 का रह चुका है, और बाकी जो 3 लाख का उस पर नहीं ला जाएगा, प्लस सेस ऐड कीजिए तो 157,040 की लाइबिलिटी आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर TDS का भी एक पॉइंट आ गया है, बिकॉज कैजुअल इनकम आई है 5 लाख रुपीज की ग्रॉस लिखा है, तो ऑब्वियसली TDS भी डिडक्ट हुआ होगा, कितना 30%, तो 5 लाख के ऊपर 30% आ जाता है 150,000 रुपीज का, तो इसका मतलब टैक्स पेबल हमारा 7040 आ गया। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। अब थर्ड आंसर, क्या हमारी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है? तो आपको पता है कि अगर हमारी लाइबिलिटी 10,000 और मोर आती है तभी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी होगी, तो यहाँ पर तो 7040 आ रहा है, तो देर वुड बी नो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन। तो हमने लिख दिया कि क्योंकि ये 10,000 से कम है, इसलिए देर वुड बी नो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ हमने नोट्स दिए हैं, कौन से नोट्स? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं, तो 15,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, और साथ साथ में वो जो हमने अपना टैक्स कैसे निकाला है, 8,05,000 टोटल था, उसमें से कैजुअल इनकम पर तो पूरा 30% आएगा, तो बाकी का जो लॉन्ग टर्म था उसमें से 30,000 रुपीज हमारे अनएग्जॉस्टेड में जाएंगे, तो बाकी 5,000 के ऊपर हमारा 20% आएगा, और बाकी 3 लाख तो निला जाए, करेक्ट। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, अब बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इनफैक्ट अगर आप कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं या किसी और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कराना चाहते हैं, तो यू कैन गिव मी अ कमेंट, ठीक है, इस वीडियो के नीचे दे दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। टाइम आपके पास आई नो कि थोड़ा कम है, बट इसको बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करें कि अपना टाइम वेस्ट करें। हाँ, अगर 1-2 घंटे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा जाइए, 5-10 मिनट थोड़ा सा घूमिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा हवा लीजिए, ठीक है, फ्रेश एयर में जाइए, फिर वापस आ जाइए। एग्जाम्स तक आपको इतना करना है, ये दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, आपने पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में कितना किया होगा वो एक तरफ है, और ये जो आपके एग्जाम से पहले वाला टाइम पीरियड होता है, स्पेशली ये 15-20 दिन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट यही डिसाइड करते हैं कि आप अपने यहाँ पर एग्जाम्स में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ये दिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन्होंने शुरू में इतनी पढ़ाई नहीं की होती है, बट अपने इस दिन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो अच्छे से पास हो जाते हैं एग्जाम्स में। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पहले तो बहुत अच्छी तैयारी की और ये दिन वेस्ट करती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का पिछले 1-2 दिन थोड़े वेस्ट गए हैं, तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए, कोई गिल्ट मत रखिएगा, सबके साथ ऐसा होता है, अभी से लग जाइए, ठीक है। मैं कल से भी नहीं बोलूँगा, अभी से बोलूँगा, अभी से लग जाइए, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।